हेलो, मैं हूँ रविंद्र और आज आप लोग को टाटा घुमाने वाले हैं, टाटा में जुबली पार्क और जू। मेरे साथ चार और दोस्त हैं, सबका एक एक करके परिचय देंगे आपको। मैं हूँ भागीरथी, आज जुबली पार्क में घूमने के लिए आए हुए हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से जाएंगे जू पार्क, जू पार्क से होकर के पूरा घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद हम लोग मस्ती वस्ती करेंगे, बैठेंगे, इंजॉय करेंगे। आज पूरा फुल इंजॉय होगा आज हम लोग। मैं सावन यहाँ घूमने आया हूँ जुबली पार्क, और हम लोग अभी घूमने वाले हैं थोड़ा देर के बाद, और यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग थोड़ा रोमांटिक में। मेरा नाम है सुमित है, अभी हम लोग इधर जमशेदपुर आए हुए हैं घूमने के लिए, और बहुत सारा अभी जगह है, ऐसे ऐसे जगह है जो हम लोग अभी घूमे नहीं है या जू तरफ जाने वाले हैं। फिलहाल अभी इधर यहाँ खड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुरेंद्र, और जैसे कि आप लोग जान ही चुके हैं हम लोग क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं और हम लोग कितने लोग हैं, तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। अभी हम लोग जुबली पार्क से जू की ओर जाने वाले हैं। चलो उठो, चलो चलो चलो। हम लोग जू का मेन गेट में पहुंच चुके हैं और टिकट लाने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं टिकट लाते हैं। टिकट काउंटर इधर है। हम लोग जू में एंट्री मार चुके हैं। ऐ शकल दिखा सबको, अटेंडेंस दो, कहाँ है? सावन दिखा, भागीरथी दिखा, सुमित दिखा, बांके कहाँ गया? बांके यहाँ है। चलो अब आगे चलते हैं, ये है रास्ता। अभी जू में हम लोग घुस चुके हैं, अभी रास्ते में चल रहे हैं, थोड़ी ही देर पे अभी पहुंचने वाले हैं जू के अंदर घुसने वाले। यहाँ से हम लोग साइकिल निकाले हैं, अब साइकिल पे हम लोग रैली निकालते हैं। चलो चलते हैं। कहाँ है? साइकिल का मजा लो। ये है सुरेंद्र। हाय, नजारों नजारों जू में साइकिल में अब मस्ती। साइकिल में जू में आओ ना, चिड़िया सा पहले देखते, इधर लेफ्ट साइड चलो, लेफ्ट टर्न लो, हाँ घुमाओ। फर्स्ट टाइम जमशेदपुर जी, नज़ारा देखते हैं। नज़ारा काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी तक मैंने कुछ देख नहीं पाया कि जू में क्या है क्या नहीं, किस तरह के एनिमल्स हैं, क्या क्या है, या कुछ बर्ड्स की आवाज़ आ रही, कौवा है। साइकिल रखो, ये है बंदर। तुम ना रुको, हम दिखा के आते हैं सबको। लिखा हुआ है जानवरों को ना छेड़े। ए बंदर, अंदर में सोए हुए हैं, आपको नहीं पता। और तो सलाम कर रहा है, बेटा का सब सोया है, उसका पापा सोया हुआ है। हाँ, उसका ये है मीटू। मीटू अंदर में भी और एक है, क्या पोज दे रहा है, दूसरा प्रजाति वाला मीटू। कहाँ गया ये? ऊपर में उड़ रहा है। ए गिलारी, ओए ओए ओए, शिकार करने जा रहा है का तोता का।
ये गिलारी डरा रहे सबको। इसका नाम क्या है? नेम प्लेट? अरे मैना जैसे ही दिखता है भी। ये है अफ्रीका का पैरोट, देखिए ग्रे कलर का है। क्या बात है, पूरा फैमिली एक साथ। हाँ अभी उसी का प्रजाति बड़ा वाला देखिए, ये रहा किनारे पे दिखे। हाँ ये किंग कोंग छोटा वाला। ए इधर ए, आराम से। हाँ गुड। ये सील, ये हिप्पोपोटामस, ये पशु पालन कच्छ। आई तेरा पापा कहाँ गया? अंदर कहाँ है भेजा उसको? भाग रहे। ये है सफेद हिरण, उसका फैमिली आगे में है। जेब्रा, यहाँ है जेब्रा। चलिए आगे चलते हैं। हिरण का फैमिली, अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ मोर है, आप लोग को दिख नहीं रहा, आगे बहुत आगे है, देखिए झाड़ी के पीछे में है। अब ध्यान दिए होंगे तो दिखेगा, नहीं तो नहीं। इधर भी हिरण ही है। अरे क्या बात है, काला वाला हिरण भी दिख रहा है। अब सलमान खान याद आ रहा है। ये देख रहे हैं बीना सिंह वाला हिरण, बकरी बकरी। इधर भी है छोटा छोटा छोटा। आगे चलिए, समझ नहीं आ रहा कैसे है। हिरण का ही प्रजाति है, इसका सिंह है उसका नहीं है। ये है शेर। हाँ गर्मी से बेहाल आराम कर रहे हैं जुबली पार्क में। शायद आप लोग को ही ना दिखे, ये है टाइगर का सर। हाँ जुबली पार्क बर्टन लेक में नाव का मजा लेते हुए पूरा मस्ती। उधर हमारा टीम है जो बहुत दूर पे दिख रहे हैं, नजदीक आने वाले हैं थोड़ी देर में। चलिए आप लोग को वो लोग का दर्शन कराते हैं। वो है हमारे बाकी साथी, मजे ले रहे हैं। टाइगर जिंदा है के बाद आप तेंदुआ, तेंदुआ बोलता है ना, क्या बात है। ऊपर में रेस्ट ले रहा है, सही है गर्मी का मजा। जो भी वो नाम तो नहीं पता, बगुला का ही पड़ जाती है। हाँ कितना मस्त हिला रहा अपना। तितलियों का भंडार माए हुए,
ये है मुर्गा और उधर है मुर्गी, ये है कछुआ, इधर छोटा छोटा कछुआ, उधर भी। अब दिखाते हैं सलाद खा रहा है कछुआ, ये देखिए कछुआ। ओ तो अंडा दिख रहा है, 2-4-5 चूहा सब भी है चोरी करने के लिए, सियाना चूहा सब। ये है गाड़ियाल, ये रहा सोया हुआ है, क्या साला सोया हुआ है। अब देखिए मगरमच्छ दांत देख सकते हैं हम किस तरह से बड़े बड़े नोकीले एकदम। बंदर का कहानी याद है हमको, तो इसको कैसे उल्लू बना दिया था। घड़ियाल और बंदर मतलब एक ही प्रजाति। ये हमारे चाईवासा के एक दोस्त लोग हैं जो चाईवासा से बस में आए हैं। मैं हूँ आसिफ, जो यहाँ का पार्क बहुत अच्छा लगा, वो काफ़ी अच्छा से अच्छा ही सीन था, घूमने में बहुत शानदार लगा, काफ़ी हम लोग इन्जॉय ले लिए हैं। और इस पार्क को मैं घूमने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। मेरा नाम है तौसीफ और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून लगा, ताकि यहाँ कभी आए नहीं थे, दिल कहा कि चलो चले बोल के, इसी वजह से आए थे एक बार पार्क घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। हेलो भाई, यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप यहाँ आके कुछ देखे नहीं? बहुत अच्छा लगा, सब कुछ देखे हैं, बहुत प्यारा प्यारा चीज़ है। वाह, आप के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, यहाँ का जो आदमी है वो बहुत प्यारा है, यहाँ का जो जानवर उनर वो भी सब प्यारा है, और आप लोग भी बहुत प्यारे हो। खाली एक चीज़ का कमी रह गई है, जो गर्लफ्रेंड। वाह, जो हम लोगों के हाथ में नहीं है गर्लफ्रेंड, बस वो भी रह जाने से पूरा हो जाता। जो गर्लफ्रेंड खोजने से मिलेगा ना भाई? भाई हम लोग यहाँ जरूर मिलेगा, खोज ले, यहाँ सब टाइप का जानवर भी है, इसी के लिए एक चीज का कमी रहेगी यहाँ पर भाई। हम लोग का सामने हर कुछ है, बाकी एक चीज नहीं है, वो जब मिलेगा तब बताएंगे हम लोग। हाँ तो सावन बताओ, आज जुबली पार्क घूम के कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुआ कि बहुत यहाँ घूमे, जानवर सबको देखे हम लोग। सुरेंद्र सुने, तुम तो पहली बार आ रहे, तो कैसे रहा तुम्हारा घूमने का एक्सपीरियंस? पार्क आ चुके हैं बहुत बार, लेकिन जू पहली बार घुसे हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। किस किस तरह का चीज़ देखने को मिला यहाँ? काफ़ी सारे जानवर हैं, जैसे कि शेर, बाघ, काफ़ी सारे बंदर हैं, विभिन्न प्रजाति के बंदर हैं, विभिन्न प्रजाति के पक्षियाँ हैं, तो देखने का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। तो साथ में फ़ोटो भी खिंचाएँ, साइकिल में घूमे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। आज का दिन कुल मिला के बहुत ही बेहतर रहा, मैं तो बोलूँगा। उसके अलावा कुछ अजीब चीज़ सब देखने को नहीं मिला क्या? अजीब यहाँ पे अजीब ऐसा कुछ नहीं है, बस वही जो आप समझ रहे हैं, समझ ही सकते हैं, मतलब एक अभी युवा जो लड़के हैं उन लोगों की भावना क्या होती है, वो अपने अपने गर्लफ्रेंड लेके आ रहे हैं, वो साथ में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बस यही अजीब है, अजीब और कुछ नहीं, लेकिन ज़्यादा ही अश्लीलता फैला रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं जुबली पार्क को बोलना चाहूँगा कि इस पर कड़ी रोक लगाई जाए, जहाँ जगह जगह आप देख सकते हैं कि हम जैसे फैमिली वाले आते हैं, अगर फैमिली के साथ आते हैं तो ये चीज़ देख के थोड़ा अजीब लगता है, मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है, तो ये चीज़ पे कड़ी निगरानी रखनी चाहिए जुबली पार्क वालों को। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा बस। हाँ तो वगैरह तो बताओ, जुबली पार्क आके कैसे लगा? जुबली पार्क आके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आए थे पहले इसे बात नहीं कि नहीं आए थे, आए हुए थे, लेकिन आज जैसे हुआ सब साथ में मिलजुल करके आए, पूरा घूमे, तो पूरा अच्छा लगा हम लोग को। अब जू के बारे बताइए, जुबली पार्क तो हो गया, जू सब जगह पक्षी पक्षियाँ सब देखे, वो सब भी मतलब चाची हम लोग सारे मिलकर आज पूरा बोटिंग किया, पूरा मस्ती किया, पूरा मजा आ गया हम लोग आज सब दोस्तों के साथ। हाँ तो सुमित बताओ, पार्क और जू का एक्सपीरियंस कैसे रहा? पहले हम लोग तो पार्क घुसने, जू के अंदर घुसने से पहले हम लोग साइकिल सबको एक एक ठो ले लिए सिंगल सिंगल,
उसका बाद हम लोग जो जू के सामने पहुंच गए, पहले तो बंदर उंदर वो देख लिए, उसके फिर अंदर भालू, भालू के अंदर भालू की तरफ घुसे, देखते हुए फोटो वोटो खींचते हुए मस्ती वस्ती करते हुए आए, फिर उधर से लौट के फिर अंदर की और घुसे। इस तरह हिरान, काला हिरान जिसे सलमान खान काला हिरान को मार दिए थे, और हमारे दोस्तों ने सभी हम लोग साथ में देखे और बड़ी मज़ा आया कि जैसे कि हम लोग पहली बार, पहली तो बहुत बार आए हैं ऐसे कि अभी दोस्तों से आए तो बहुत बहुत अच्छा लगा, अपने आप को भी खुशी लगा। धन्यवाद। हम लोग जुबली पार्क वापस घूम के आ गए, अभी घर की ओर प्रस्थान हो रहे हैं। चेहरा सबका उतरा हुआ है, लगता है सब चल चल के थक गए हैं। हाँ तो फिर चलिए मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।